व्हाट्स अप गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू IFL। पंजाबी पकोड़े वाली कड़ी बना रहा हूँ, बहुत ही डिलिशियस लगती है रेसिपी। और जब भी एक पंजाबी घर पे दही खट्टा हो जाता है तो उसकी कड़ी बना देते हैं, या मट्ठा होता है जो बटर मिल्क बनता है जब भी, तो उसकी भी कड़ी बनाई जाती है। और आज जो मैं रेसिपी आपसे आज शेयर कर रहा हूँ, एग्जैक्टली वही रेसिपी जो मेरे घर पर बनाई जाती है। अब हर घर की रेसिपी थोड़ी सी अलग होती है, तो मेरे घर वाली रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है पंजाबी कड़ी में, जो होता है साबुत धनिया, उसका फ्लेवर सबसे ज़्यादा होता है। उसे थोड़ा हमें दरदरा कूटना है, तो उसकी तैयारी कर लेते हैं, फिर कड़ी बना लेंगे। एक हमाम दस्ते के अंदर 3 टेबलस्पून साबुत धनिया ऐड कर रहा हूँ। अभी इस धनिए को आपको दरदरा कूट लेना है, यानी कोर्सली आपको ग्राइंड करना है, ये बात का ध्यान देना है। हमाम दस्ता नहीं है तो मिक्सर ग्राइंडर में भी कर सकते हो, बस इतना ध्यान दो कि एकदम कोर्सली आपको ग्राइंड करना है। कूटने के बाद आपका धनिया कुछ इस तरीके का दिखेगा, ऐसी टेक्सचर तक आप धनिए को कूट लीजिए। अभी कड़ी बनाने के लिए मिक्सर बनाना है, उसके लिए एक बोल के अंदर 2 कप खट्टा दही। अब एक छन्नी लेकर इसके अंदर 1/3 कप बेसन ऐड कर रहा हूँ। छन्नी से इसलिए छान रहा हूँ कि जो बेसन की गुठलियाँ हैं वो नहीं बने कड़ी के अंदर। बेसन ऐड करने के बाद 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 3 टेबलस्पून जो धनिया हमने कूटा था वो ऐड कर रहा हूँ, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और टेस्ट के हिसाब से नमक। अब ये सारी चीज़ों को आपको अच्छे से फेंट लेना है, एक फोर्क या विस्क यूज़ करके अच्छे से फेंट लीजिए। एक बार आपने मिक्सर फेंट लिया है, इसके अंदर जो बेसन की गुठलियाँ हैं वो बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए, और दही की जो गुठलियाँ रहती है वो भी नहीं रहनी चाहिए, एकदम स्मूथ मिक्सर बन जाना चाहिए। अब इसके अंदर मैं 7 से 8 कप पानी ऐड कर रहा हूँ। पानी ऐड करने के बाद फिर से आप अच्छे से इस मिक्सर को मिक्स कर लीजिए और फेंट लीजिए। एक बार आपका मिक्सर इस तरीके का बन जाएगा, अब हमें कड़ी को पकाना है। कड़ी को पकाने के लिए एक हांडी के अंदर 1 टेबलस्पून घी, घी के गर्म होते ही 1 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून मेथी के दाने, 4 से 5 साबुत काली मिर्च, 2 से 3 कश्मीरी लाल मिर्च, 1 मीडियम साइज का प्याज स्लाइस करके मैंने ऐड किया है, और साथ ही में 1 टीस्पून हींग। अब ये सारी चीज़ें ऐड करके अच्छे से स्टर कर लीजिए। स्टर करने के बाद यहाँ पर मैं आलू ऐड कर रहा हूँ, 2 मीडियम साइज़ के आलू मैंने डाइस करके ऐड किए, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। अब आपको आलू और प्याज को तब तक पकाना है जब तक कि प्याज जो हमारे ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाते, तो 2 से 3 मिनट के लिए पका लीजिए। एक बार प्याज आपके ट्रांसलूसेंट हो जाए तब इसके अंदर आपको जो हमारा दही और बेसन वाला मिक्सर है वो ऐड करना है। दही और बेसन का मिक्सर ऐड करते ही अच्छे से स्टर कर लीजिए। स्टर करते ही हाई फ्लेम पर इस कड़ी को आपको एक उबाल पे ले आना। तो अब आप देख सकते हो उबाल आ चुका है कड़ी में। इस स्टेज पर आपको कड़ी को ढक देना है और गैस को एकदम धीमी कर देना है, और 30 से 35 मिनट के लिए कम से कम इस कड़ी को आपको अच्छे से काढ़ना है, अच्छे से पकाना है। तो कड़ी को मैंने पकने रख दिया है और 30 से 35 मिनट के लिए इस कड़ी को अच्छे से काढ़ना है। कड़ी को कड़ी कहा जाता है क्योंकि हम इसको काढ़ के बनाते हैं, मतलब पकाते हैं अच्छे से, इसीलिए ही वो कड़ी का जो फ्लेवर है और टेक्सचर है वो अच्छा आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम आधे घंटे के लिए कड़ी को अच्छे से पकाइए। बीच बीच में आप ढक्कन निकाल कर स्टर कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि कड़ी आपकी नीचे लगे नहीं, बाकी आप आराम से लो फ्लेम पर छोड़ दीजिए, कड़ी बहुत अच्छे से पक जाएगी। दूसरी बात, इसमें जो फ्लेवर है धनिए का वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो डरडा हुआ जो धनिया होता है वो आपको अच्छी क्वांटिटी में ऐड करना है, तो ही पंजाबी कड़ी लगेगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात, मैंने जो आलू इसमें ऐड किए हैं वो यूजुअली ऐड करते हैं कोई लोग नहीं करते हैं। यूजुअली ऐड क्यों किए जाते हैं, क्योंकि घर पे कई बार बच्चों को पकोड़े नहीं पसंद आते कड़ी के अंदर, तो आलू ऐड कर देते हैं तो वो आलू खा लेते हैं। पर्सनली मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैंने ऐड किए और मेरे घर पे भी ऐड किए जाते हैं, बट कम्प्लीटली ऑप्शनल है, नहीं ऐड करना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं। अब कड़ी को मैंने अच्छे से पका लिया है, बीच बीच में स्टर करते हुए 30 से 35 मिनट के लिए चेक कर लेते हैं कड़ी कैसी पकी है। तो आप देख सकते हो कड़ी बहुत अच्छे से पक चुकी है, इसका रंग भी अच्छा हो गया है, टेक्सचर भी परफेक्ट है, कंसिस्टेंसी भी परफेक्ट है। अगर आपको लगता है कि आपकी कड़ी काफ़ी गाढ़ी अगर हो गई है तो आप थोड़ा गर्म पानी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब मैं बस टेस्ट करके नमक चेक करने वाला हूँ। नमक मैंने चेक कर लिया, थोड़ा सा नमक कम लग रहा था इसलिए मैंने नमक डाल दिया इसके अंदर। साथ ही में ताज़ा कटा हुआ धनिया ऐड कर दीजिए और अच्छे से कड़ी को स्टर कर लीजिए, और ये हमारी पंजाबी कड़ी जो है वो रेडी हो गई है। कड़ी तो मैंने बना ली है, अब घर पर जब कड़ी बनती है हमारे घर पे
पकोड़े साइड पर तल के इसमें ऐड कर दिए जाते हैं और सर्व कर देते हैं कड़ी को। अब आज हम थोड़ा सर्विंग वगैरह करेंगे, तो मैं अभी पकोड़े बनाने वाला हूँ और फिर सर्व जब करेंगे हम कड़ी पकोड़ा को तो ऊपर से पकोड़े ऐड कर देंगे। आप अगर घर पे बना रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कड़ी बनने वाली होगी, एंड के 10 मिनट हो गए तभी पकोड़ों की तैयारी करो, साइड में तल लो, पकोड़े ऐड कर दो और सर्व कर दो। तो अभी नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें पकोड़े बनाने हैं और उसके बाद फिर कड़ी को सर्व करेंगे। एक बोल के अंदर 2 से 3 मीडियम साइज़ के प्याज ऐड किए स्लाइस किए हुए, 1 से 2 चॉप की हुई हरी मिर्च, 1/2 टीस्पून अजवाइन को हाथों के बीच में क्रश करके ऐड कर रहा हूँ, थोड़ा सा ताज़ा कटा हुआ धनिया, 1 मीडियम साइज़ का डाइस किया हुआ आलू, ये ऑप्शनल है, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून दरड़ा हुआ धनिया, टेस्ट के हिसाब से नमक, 1 कप बेसन, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून अमचूर। ये सारी चीज़ों को अच्छे से आपको अपने हाथों से स्क्वीज़ करना है इस मिक्सचर को, जो प्याज का मॉइस्चर है उससे जो आपकी बाइंडिंग है थोड़ी बहुत हो जाएगी इस मिक्सचर की। एक बार आपने अच्छे से मिक्स कर लिया है तो इसमें थोड़ा सा आपको पानी ऐड करना है अगर ज़रूरत हो तो। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड करके फिर से मिक्स कर रहा हूँ। आपको जैसे हम प्याज के पकौड़े बनाते हैं उसी तरीके का एक मिक्सचर यहाँ पर तैयार करना है। अब आप देख सकते हो मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, मिक्सचर जो हमारा एकदम परफेक्ट हो गया है। अभी इसके हम पकोड़े तलने वाले हैं। तो पकोड़े तलने के लिए मैंने तेल को गर्म कर रखा है, तेल मॉडरेटली हॉट है, अराउंड 170 डिग्री सेल्सियस पर। अब आपको थोड़े थोड़े पोर्शंस लेने हैं इस मिक्सचर के और गर्म तेल में केयरफुली ड्रॉप करने हैं। तो इसी तरीके से सारे पकोड़े आप धीरे धीरे तेल में ऐड कर दीजिए और मीडियम फ्लेम पर आपको धीरे धीरे इन्हें फ्राई करना है। अब मैं डबल फ्राई करने वाला हूँ, इसलिए लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक मैं पकोड़ों को फ्राई कर रहा हूँ। एक बार आपके पकोड़े लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएं, तो इन्हें आपको निकाल कर साइड पर रख देना है कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए, और बाजू में जो तेल है उसे हाई पर थोड़ा ज़्यादा गर्म कर लेना है। मैंने पकोड़ों को रेस्ट दे दिया है, तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है। मैं पकोड़ों को अभी गर्म गर्म तेल के अंदर डाल रहा हूँ। इस स्टेज पर ध्यान देना है, बस 10-15 सेकंड के लिए डालना है, फ्लैश फ्राई करना है और निकाल लेना है। तो पकोड़ों को फ्लैश फ्राई कर लिया है और मैंने निकाल दिया है। अभी इसे एक छन्नी में ऐड कर दीजिए और एक्सेस ऑयल जो है वो ड्रिप ऑफ होने दीजिए। अभी इसी गरम तेल के अंदर मैं पापड़ फ्राई कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने पापड़ को कुछ स्ट्रिप्स में कट कर रखा है। पापड़ को गरम तेल में ऐड कीजिए और अच्छे से फ्राई कर लीजिए। जैसे ही आपके पापड़ फ्राई हो जाएं, इन्हें निकाल लीजिए तेल से, एक बोल के अंदर ऐड कर दीजिए और फिर थोड़ा सा ऊपर से कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर स्प्रिंकल करके पापड़ को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये पापड़ को हम कढ़ी चावल के साथ सर्व करेंगे। कड़ी और पकोड़े दोनों मैंने बना लिए। सर्विंग वाला फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही समझा दिया कैसे करना है, हम अलग से आज सर्व करने वाले हैं। साथ ही मैं थोड़े पापड़ फ्राई कर लिए हैं, वो कड़ी चावल के साथ ऐसे पापड़ सर्व करने बहुत अच्छे लगते हैं। अगर नॉर्मल भी पापड़ आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा अच्छा लगता है मुझे ऐसे स्ट्रिप्स में कट करके फ्राई करना, इसलिए किया है। दूसरी बात, जो पकोड़े हमने आज तले हैं आलू और प्याज वाले, सिर्फ प्याज वाले भी बना सकते हो, मेथी और पालक डालकर भी बना सकते हो। उसमें कई सारी वैरायटी अलग अलग घरों में बनती है, मेरे घर में प्याज और आलू वाले बनते हैं इसलिए मैंने वही बनाए हैं। अभी नेक्स्ट स्टेप ये, सारे कॉम्पोनेंट रेडी हो चुके हैं, पंजाबी वाली जो हमारी कड़ी है पकोड़े वाली, उसे सर्व कर लेते हैं वाईएफएल स्टाइल। मेरे घर की रेसिपी जो है पंजाबी पकोड़े वाली कड़ी की, वो मैंने आज आपके साथ शेयर कर दी है।
और बहुत ही डिलीशियस कढ़ी बनती है। ज़रूर ट्राई करो अपने घर पे और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताओ जब भी आप ट्राई करोगे कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL इफ यू हैवंट येट। हैव एन अमेजिंग टाइम विद दिस ब्यूटीफुल पंजाबी पकौड़ा कढ़ी रेसिपी एट योर होम। चीयर्स।